फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुरुकुल ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर एवर, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। टू बी ऑनेस्ट, चाणक्य नीति के थ्रू जो जर्नी स्टार्ट हुई है, इट्स लाइक गोइंग टू मैनेजमेंट क्लासेस अगेन। मेरा कैट क्लियर हुआ था, लेकिन आई मस्ट टेल यू कि मैनेजमेंट की जो टीचिंग आचार्य चाणक्य से सीखने को मिल रही है, इट्स पैरेलल टू नन। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कैंपस नहीं, हजारों साल बाद भी पूरी तरह रेलेवेंट रहना इज इनक्रेडिबल। What else you call universal rules? आचार्य चाणक्य के मैनेजमेंट टिप्स पर आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मुझे फोर्स करता है टू डिग इन मोर एंड मोर। हम पिछले एपिसोड में टीम लीडर को टीम कैसे चुननी चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए एंड वर्क डिविजन कैसा करना चाहिए जैसे टॉपिक्स पर आचार्य चाणक्य के श्लोक से फॉर्मूले निकाल रहे थे। आप सबके पॉजिटिव रिव्यू से मुझ में भी डबल एनर्जी आ गई है। इस बार मेरे पास मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और नीचे दिए गए कमेंट्स पर काउंटलेस मैसेजेस आए हैं। 90% कमेंट्स स्टार्टअप के रिगार्डिंग थे। एक कमेंट पढ़कर सुनाता हूं। इट गोज लाइक दिस, सर, टीम लीडर के बारे में ही चाणक्य ने ज्ञान दिया है या स्टार्टअप के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है? ऑल्दो आई फाउंड दिस मैसेज लिटिल नास्टी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप के बारे में चाणक्य नीति के सूत्र जानने में दिलचस्पी जताई है। इसीलिए इस एपिसोड में हम स्टार्टअप के बारे में आचार्य चाणक्य से मैनेजमेंट लेसन्स लेंगे। तो देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट। बट उसके साथ ही अब ये भी जान लीजिए, सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर स्टार्टअप के बारे में कि ये एपिसोड किसी न्यू एज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं होने वाला है। हम किसी वायरल इन्फ्लुएंसर से नहीं बल्कि यूनिवर्सल इन्फ्लुएंसर से ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखेंगे। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम के महाग्रंथ की रचना की थी। आज भी ये मैनेजमेंट पर वर्ल्ड की बेस्ट बुक है एंड आई कैन से दिस विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। तो इसलिए जो लोग सिर्फ स्टार्टअप ट्रेडिंग में है, अपन भी कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं, ऐसे लोग इस एपिसोड को जरूर सुने ताकि आपका डिलेमा टूटे। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास स्टार्टअप प्लान भी रेडी है, पूरा एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग प्लान तैयार है, लेकिन फंड नहीं है। और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास आइडिया भी है, फंड भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन बस नया काम हाथ में लेने और पुराने काम के कम्फर्ट जोन को तोड़ नहीं पाने की मुश्किल है। इन सबके लिए ये एपिसोड सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर आप किसी न किसी डिसीजन पर तो पहुंचेंगे ही, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं स्टक रहने से अच्छा है किसी फैसले पर पहुंचना। और आचार्य चाणक्य तो कहते भी हैं, यावत स्वस्थो ह्ययम् देहो यावन मृत्युश्च दूरत तावदाम अहितम कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि जब तक ये शरीर यानी आपकी बॉडी निरोग है, यानी आप बेड रिडन नहीं है, हेल्दी हैं, चल फिर रहे हैं, जब तक मृत्यु नहीं आती, व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए पुण्य कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत तो तय है, लेकिन किसी काम की शुरुआत करने में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। अगर आप भी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन उसको टाले जा रहे हैं या परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, ज्यादा क्लैरिटी होगी समझने में। एक बार एक राजा शिकार पर जा रहा था और रास्ते में ही जंगल में उसके गुरु का भी आश्रम था। राजा अपने गुरु की बहुत इज्जत करता था, हर बड़ा काम करने से पहले उनसे सलाह लेता था। राजा को उन्होंने बचपन से अपने गुरुकुल में शिक्षा दी थी, तो वो गुरु भी थे और राजा के लिए फादर फिगर भी थे। अब राजा जंगल से गुजर रहा था तो उसने सोचा, भाई गुरु का दर्शन लौटते वक्त करता हुआ आऊंगा। इस तरह राजा गुरु के आश्रम से आगे बढ़ गया और शिकार खेलने चला गया। राजा भी आश्रम से कुछ ही दूर बढ़ा होगा कि उसके घोड़े के पांव ठिठक गए, सिपाही भी जहां के तहां थम गए। राजा समझ गया कि उसके महातपस्वी गुरु क्रोधित हो गए हैं। वो तुरंत वापस उनके आश्रम पहुंचा और माफी मांगने लगा। गुरु ने पूछा, राजन तुम किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? राजा ने कहा, क्योंकि मैं आपके दर्शन करता हुआ नहीं गया ना, इससे आपका अपमान हुआ। तब गुरु ने कहा कि एक सन्यासी सम्मान और अपमान से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम मुझे नमस्कार करके जाओ, बल्कि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो एक जरूरी और आखिरी शिक्षा तुम्हें देनी थी, तो सोचा देता चलूं। जीवन का क्या भरोसा। इस पर राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैंने लौटते समय आपके दर्शन करने का निर्णय मन ही मन कर लिया था। गुरु ने कहा, राजन यही तुम्हारी शिक्षा है, तुम राजा हो, ईश्वर नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि कल तुम शिकार से जीवित ही लौट आते? यहां एक पल का भरोसा नहीं और तुम कल वापस लौट आने तक एक काम टाल रहे हो। या तो किसी काम को करने का निश्चय मत करो, और अगर एक बार निश्चय कर लिया
तो उसे टालो मत। ये कहानी सिर्फ उस राजा के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है। अभी इतने लोग कोविड में हमेशा के लिए चले गए, पता चला ना कि लाइफ इज सो अनसर्टन, हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। इसीलिए कभी भी अपने प्लान्स को टालने की आदत मत डालिए। यू नो इट्स सो सेल्फ हार्मिंग, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। परफेक्ट डे जैसा कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, यानी आज अभी इसी वक्त। हमारे पास ना तो परफेक्ट डे का कोई कैलेंडर है और ना ही अपनी वैलिडिटी कब तक है इसका कोई इंफॉर्मेशन है। चाणक्य भी यही कह रहे हैं कि जब तक हेल्दी हो, बॉडी फिट है और सबसे बड़ी बात जिंदा हो, तो यही बेस्ट टाइम है कोई भी अच्छा काम करने का। याद रहे, चाणक्य स्वयं के कल्याण पर पहले जोर देते थे। वो जानते हैं कि राष्ट्र लोगों से बनता है, इंडिविजुअल स्ट्रांग होगा तो राष्ट्र भी स्ट्रांग होगा। इसीलिए पहला लेसन तो यह है कि अगर आपके पास कोई प्लान है, कुछ भी करने का सोचा है, तो उसको लिख लीजिए, यानी राइट इट डाउन, डिस्कस करिए और उस पर लग जाइए। सेलेक्ट या रिजेक्ट तो बात की बातें हैं, अरे पहले आप अपने आइडिया को अपने दिल में बंद गहरे राज की तरह ट्रीट करना बंद करिए। स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है अभी, दिस मोमेंट। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, जस्ट हिट इट, स्टार्ट इट, रीस्टार्ट इट, जस्ट कीप योरसेल्फ मूविंग। और यही है इस एपिसोड का सार, यही है आचार्य चाणक्य का मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर सीरियस फॉर स्टार्टअप। इट्स गेटिंग एक्साइटिंग, है ना? तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, आपके ही सवालों के जवाब जानेंगे फ्रॉम द वन एंड ओनली आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य।